स्वागत है आप सभी का। देखिए हमारे चैनल पर हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की है SSC GD का जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, आज उसी श्रृंखला में हम लोग वीडियो आगे बनाएंगे। उसमें कल बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, कुछ लोगों ने जवाब दिया कि सर मेरा 20 सही है, 16 सही है। उनमें से जो जिन लोगों ने अपना जवाब दिया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना अच्छा देखा होगा। जिसमें विशाल पाल था, संवीर पाल थे और नितिन पाल थे, नितिन पाल आर्मी SSC क्रैकर, जय भीम, बहुत से लोगों ने अपना बहुत अच्छा दिया है। धीरज ने लिखा, धीरज पाल ने लिखा है, धीरज पाल ऑफिशियल ने, कि बहुत अच्छा सर, तो धन्यवाद। जिन लोगों ने भी अपना कमेंट किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। SSC GD का जो सेट, वो सेट नंबर फर्स्ट था, आज सेट नंबर सेकेंड है। तो आज इसमें से क्वेश्चन करेंगे सेट नंबर सेकेंड। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, आप लोग इसमें भी आज अपना ट्राई कीजिएगा और इसमें आप जवाब दीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति कहलाती है। जैसे आपने किसी पौधों को टच किया और टच के कारण वो पौधा उसी दिशा में क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो इस प्रकार की जो विकास गति होती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं थिग्मोनेस्टी, या फिर इसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, या फिर इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, या फिर होता है केमोट्रॉपिज्म। आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, इन चारों में से आपका कौन सही है आप अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए तो स्पर्श के कारण जब पौधे स्पर्श वाली दिशा में ही मूव करने लगते हैं तो इसे कहते हैं थिग्मोनेस्टी। उसे क्या कहते हैं, थिग्मोनेस्टी। और प्रकाश के कारण जब प्रकाश की दिशा में जाने लगते हैं तो उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो प्रकाश की दिशा में जाने, प्रकाश के कारण, तो उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मतलब होता है प्रकाश, फोटो मीन्स क्या होता है, प्रकाश होता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, महानदी और गोदावरी। महानदी जानते हैं कि उड़ीसा में बहता है, और गोदावरी के डेल्टा जो होते हैं के डेल्टा में मिट्टी से समृद्ध है। कौन सी मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, अम्लीय मृदा पाई जाती है, या फिर जंगली मृदा पाई जाती है, या फिर जलोढ़ मृदा। तो जानते हैं कि नदियाँ जब भी बहती हैं तो अपने साथ मिट्टियों को जो काट कर लेकर आती हैं उस मृदा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर सही होगा जलोढ़ मृदा। आप लोग अपना चेक करते चलिएगा कि कितने सही हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मृदा, ठीक है। फिर उसके बाद है तीसरा है रक्त समूह वाले, मतलब किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा रक्त वर्ग वाला व्यक्ति है जो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है, तो वो है ओ निगेटिव। निगेटिव का मतलब RH फैक्टर, जिसमें RH मतलब रिसेस वाला जो प्रोटीन होता है, जिनमें पाया जाएगा जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर यानी रिसेस फैक्टर जो पाया जाएगा उसे कहेंगे पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाएगा उसे कहेंगे निगेटिव। तो O निगेटिव, AB पॉजिटिव, या फिर AB निगेटिव, या फिर O पॉजिटिव। तो जो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, देखिए इसमें दो ओ तो आपको पता है, लेकिन ओ पॉजिटिव या फिर ओ निगेटिव। तो देखिए ओ निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, इसमें क्योंकि कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। देखिए एक्चुअली नेचर ने किसी को भी यूनिवर्सल डोनर नहीं बनाया था, ये हमारे वैज्ञानिक या हमारे डॉक्टरों के द्वारा संभव हो पाया है। क्योंकि जो ओ निगेटिव जिसको कहा जा रहा है इसका मतलब इसमें कोई एंटीजन नहीं है, सब के सब क्या है, एंटीबॉडी है। और डॉक्टरों के पास ऐसी इंजेक्शन है कि वो एंटीबॉडी को क्या कर सके, मार सके, लेकिन एंटीजन को मारने वाली कोई दवा नहीं आती है। अगर एंटीजन को मारने वाली दवा आ जाए एंटीबॉडी को मार करके, तो हम लोग ओ में से एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समाप्त कर लेते हैं, लेकिन एंटीजन को मारने वाली कोई दवा नहीं है ये। तो जिस दिन एंटीजन को मारने वाली भी दवा आ जाएगी उस दिन हम लोगों को जो ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं AB, 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 O ये सब पढ़ना समाप्त कर दीजिएगा, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी समाप्त करके अब किसी का भी ब्लड किसी को चढ़ाया जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। और AB को क्या कहा जाता है, AB पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। AB निगेटिव को सर्वग्राही नहीं कहा जाएगा, AB पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे है योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, आपके सामने क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन है 2019 में, 2000 में, 1947 में, 1950 में। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, आप लोग अपना जवाब देख लीजिएगा। तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, देखिए योजना आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 1950, 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका जो अध्यक्ष होता है यानी कि प्रधानमंत्री हमेशा इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। लेकिन इस योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में, 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम है क्या, नीति आयोग। इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, योजना आयोग का, नीति आयोग। वो 5 वर्ष की योजना बनाती थी, ये 7 वर्ष और 15 वर्ष की योजना बनाती है।
ठीक है। तो ये आपको याद रहे कि इसका भी जो अध्यक्ष है कौन है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ही उसको आता है। फिर इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जैसे अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अभी हाल ही में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष तो पता है, उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 2015 में, और योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है। अब उसी जगह कौन है, उसी की जगह पर चल रहा है नीति आयोग। और नीति आयोग को भारत के मंत्रियों का क्या कहा जाता है, थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, थिंक टैंक कहा जाता है, प्रधानमंत्री का थिंक टैंक कहा जाता है। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली शामिल नहीं है। मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है, त्रिस्तरीय प्रणाली जानते हैं ना, ये जो हमारे यहाँ जो ये ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और खंड पंचायत होता है, ये जो तीन स्तर पर होते हैं, एक जिला पंचायत होता है, एक बीडीसी होता है और एक ग्राम प्रधान, ये जो त्रिस्तरीय चुनाव है, जानते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को हमारे देश में लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ये त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव था। तो इसमें कौन निम्न में से शामिल नहीं है, पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। तो इसका आपको सही जवाब देना है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा जिला, इसका सही आंसर है ग्राम समिति। ग्राम समिति इसमें सम्मिलित नहीं है, बल्कि और तीनों है, पंचायत समिति भी होता है, जिला परिषद भी होता है, जो जिला परिषद होता है, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायत कहते हैं, पंचायत समिति जो बीडीसी वाले होते हैं उनको पंचायत समिति कहते हैं, और जिला परिषद जो जिला पंचायत का चुनाव होता है, तो जो हम लोग करते हैं और जो चुनाव होता है तो देखे होंगे, इसमें ग्राम समिति नहीं है। तो आपको याद रहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार की जो चुनाव गांव में चुनाव शुरू हुआ था, तो ये वाला याद रहेगा, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट को है क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था कब, 1932 में, 1787 में, 1877 में, 2000 में। तो जानते हैं इसका कि वर्तमान में सबसे पहला गणतांत्रिक देश कौन है, मतलब कहा जाए कि पृथ्वी विश्व में सबसे पहला गणतांत्रिक देश, गणतांत्रिक देश का मतलब ऐसा देश जहां पर मुखिया जो होगा जनता के द्वारा चुना जाएगा, पहला ऐसा देश बना था कौन, ऐसा पहला देश बना था ब्रिटेन, अमेरिका। तो प्रथम गणतांत्रिक देश कौन था, ब्रिटेन, अमेरिका था, इसलिए इसे गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है, अमेरिका को गणतंत्र देशों की क्या कहा जाता है, जननी भी कहा जाता है। यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1787 में, तो क्योंकि वहाँ पर 4 जुलाई 1776 वहाँ पर आंदोलन छिड़ गया था, स्वतंत्रता का आंदोलन, तो इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका अपना क्या करता है, स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। आपको याद रहे ये सब बातें कि 1787 में अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद है, नेपोलियन किस युद्ध में हारा था, नेपोलियन ये फ्रांस का था जो वो जबरदस्त सेनापति था ये, तो कब हारा था, लिगनी, नेपोलियन किस युद्ध में हारा था, लिगनी के युद्ध में, जेना के युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में, या फिर एयर कोले के युद्ध में। ये 1815 में युद्ध हुआ था, तो कौन सा युद्ध था, वाटरलू के मैदान, वाटरलू के युद्ध में 1815 में युद्ध हुआ था वाटरलू, और वाटरलू के युद्ध में ये क्या हुआ था, ये हारे थे। फिर आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति में, निम्न में से, नीचे दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है, कोयला है, हीरा है, चांदी है, कोयला, हीरा, चांदी और लोहा, ये चार ऑप्शन है, तो इनमें से बताना आपको। तो एकदम सरल है इसका तो आंसर, प्रकृति में जानते हैं कि सबसे कठोर कौन से धातु मिलता, कौन सा पदार्थ है, तो हीरा, इन चारों में सबसे कठोर कौन है, हीरा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन धातु सबसे कठोर है, धातु ये, क्योंकि कार्बन कोई धातु नहीं, ये अधातु है, अगर धातु पूछे जाए कि सबसे कठोर कौन धातु है, तो कौन होता है, प्लैटिनम, कौन होता है, प्लैटिनम सबसे कठोर धातु है। अगर ओवरऑल पूछे कि सबसे कठोर कौन है, ओवरऑल सबसे अधिक, तो वो होता है कार्बाइट, क्या होता है, कार्बाइट, सबसे अधिक कठोर है कार्बाइट। लेकिन अगर धातु पूछे तो प्लैटिनम, और इन चारों में जैसे हीरा है तो हीरा। और एक क्वेश्चन सभी मन में रहता है कि कोई हीरा चाट ले तो मर जाए, तो नहीं, हीरा पूर्ण रूप से क्या है, कार्बन का बना हुआ है, ये उसमें के एक कार्बन जो हीरा होता है, चार ये जो बनाता है ना, चतुर्थ जो बोलते हैं, चतुर्थ चार कार्बनों से जुड़कर बनाता है, चार कार्बनों से जुड़कर बनाता है,
यहाँ चतुष्फलकीय बोलते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय संरचना बनाती है ये कार्बन। इस तो कार्बन चाटने से कोई मरता है, अगर कार्बन चाटने से कोई मर जाता तो हम लोग जो भोजन करते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इसे जो खाते हैं सभी में कार्बन है, तो हम लोग तो कभी के मर चुके होते। कार्बन को हीरा चाटने से कोई मरेगा नहीं, किसी व्यक्ति ने अफवाह फैला दी है और इसी को हमारे पूरे विश्व में लेकर, हमारे विश्व नहीं हमारे भारत के गाँव में लोग लेकर इसको अपने मन में आडंबर लेकर घूम रहे हैं। तो हीरा चाटने से कोई मरता नहीं, ठीक है। अगर हीरा चाटने से मर जाए तो कोई अंगूठी से क्यों बनवाए भाई, गहना ना महंगा मिलता है, सबसे कठोर में आते हैं इसकी गिनती प्रकृति में। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की, स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब एकता की मूर्ति जो है दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा है, किसके नाम पर बना ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, किसका है भाई, महात्मा गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, विनोबा भावे का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, तो किसकी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। वल्लभ भाई पटेल से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जानते हैं कि भारत में 562 रियासतों का एकीकरण करने वाला जो व्यक्ति था कौन था, वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, तो उनके दिवस को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, तो उन्हीं के नाम पे बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उन्हीं के नाम पे कौन सा बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है उन्हीं के नाम पे, ठीक है। ये याद रहे कि नर्मदा नदी के किनारे पर बना है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिर उसके बाद है बेगम हजरत महल, भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल मोपला विद्रोह से 1921 में, पाइक विद्रोह 1817 में, गोंड विद्रोह 1941 में, सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को जानते हैं कि सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है सिपाही विद्रोह 1857, क्योंकि लखनऊ से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेतृत्व 1857 की क्रांति का किसने किया था, बेगम हजरत महल। ये जो पत्नी थी वहाँ का जो राजा था, वहाँ का जो राजा था लखनऊ का जो राजा था उसकी पत्नी थी, उसका जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी, वाजिद अली शाह जिसके समय में कथक का बहुत विकास हुआ था, कथक जो नृत्य है उसका, ये वाजिद अली शाह के नाम पे लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर। हुआ क्या था कि जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था लखनऊ पर 1857 के समय में, तो सब तो भाग गए लेकिन वाजिद अली साहब नहीं भागे, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई सब भाग गए तुम क्या नहीं भागे, तो वाजिद अली साहब ने कहा कि हमारा जो चप्पल पहनाने वाला था, जो राजाओं का चप्पल होता है लंबा वाला, वो पहनाने वाला भाग गया था, तो राजा ने कहा कि मैं बिना चप्पल पहने कैसे भाग सकता हूँ, तो इसीलिए कहा जाता है नवाबों का शहर, मतलब ऐसे नवाब यहाँ के हैं कि अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागे कि उसको चप्पल पहनाने वाले नहीं था, तो वाजिद अली साहब उसी की पत्नी थी बेगम हजरत महल, तो लखनऊ से उसने नेतृत्व किया था अपने उस पुत्र ब्रिजेश कादिर का नेतृत्व दिया था उनको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका याद रहे कि सिपाही विद्रोह 1857, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पारित हुआ था, कब पारित हुआ भाई 2005 में, 1900 में, 2019 में, 2000 में। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है कि जो अपने प्रत्येक नागरिक को रोजगार देने की गारंटी देता है, एकमात्र विश्व का ऐसा देश है भारत जो अपने यहाँ नागरिकों को गारंटी रोजगार देने की गारंटी देता है, इसलिए रखा है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, तो इसका राइट आंसर क्या है 2005, ठीक है 2005 में अधिनियम बना था, अधिनियम का मतलब होता है संसद से पास करा लिया गया था और 2006 में इसको लागू कराया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक किताब लिखा है, किसने, वीरेंद्र सहवाग ने, विराट कोहली ने, सचिन तेंदुलकर ने, सौरभ गांगुली ने, किसने लिखा है ये अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, किसने लिखा है, तो ये लिखा हुआ है इसका सही आंसर है सौरभ गांगुली, कौन है सौरभ गांगुली, जिसे दादा के नाम से जाना जाता है, हमारे भारत के पहले ये कैप्टन रहे हैं, अभी ये बीसीसीआई का अध्यक्ष है सौरभ, अभी सौरभ गांगुली वर्तमान में क्या है बीसीसीआई के अध्यक्ष है। फिर आगे है, ने मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता जीती थी, अब ये उस वक्त का करेंट अफेयर्स है कि किसने जीता था, ऑप्शन है लारा दत्ता, अनुकृति, मानुषी छिल्लर, युक्ता मुखी, इसे आप लोग याद मत कीजिएगा, बस इसका आंसर जान लीजिएगा कि इसका आंसर है मानुषी छिल्लर, कौन है मानुषी छिल्लर है, क्योंकि उस वक्त करंट अफेयर्स था, अभी ये कभी नहीं पूछेगा। फिर उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद को प्रतिनिधित्व करता है, कौन है, एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है, कौन, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, तो हमने भी बताया कि जो वाजिद अली शाह थे उनके समय में बहुत अधिक विकास हुआ था किसका, कथक का, तो इसका राइट आंसर कौन है, कथक।
तो कथक इसका राइट आंसर क्या ना, कथक है। फिर उसके बाद सबसे छोटा जीवित पक्षी है, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है? ऑप्शन है हमिंग बर्ड, कनारी, घर की गौरैया, कबूतर। लोगों को मैंने बड़ा खुशी मिला, कितना सरल प्रश्न है। अभी हिंदी नाम लिख दिया ना गुंजन पक्षी, तब नहीं आता। हमिंग बर्ड को हिंदी में कहते हैं गुंजन पक्षी। ये एक ऐसी पक्षी है जो उल्टा उड़ता है, सीधा नहीं उड़ता बल्कि उल्टा उड़ते हुए भाग जाता है, उल्टा उड़ते हुए। तो जो भी वर्तमान में जीवित सबसे छोटी पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है। फिर ओडिशा के सबसे बड़ी बैक वाटर झील है, बैक वाटर झील है। तो बैक वाटर झील मतलब जो समुद्र के तट पे है, कौन है? डल झील, बुलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। ये बहुत बार क्वेश्चन लगभग ही आता है इस पर बेस्ड। तो उड़ीसा के सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन है? तो ये है चिल्का झील। बुलर झील तो जानते हैं कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील कहाँ है? ये पड़ता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पे के बॉर्डर पे है। डल झील ये भी जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में बचा कौन? चिल्का झील। ये एक प्रकार से लैगून झील है। लैगून झील का मतलब समुद्र का पानी आता है इसमें, उसके कारण इस झील का निर्माण हुआ है। तो इसी में उसी का पानी लगातार आता रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लैगून झील। उसे क्या कहते हैं? लैगून झील। यानी कि ऐसे झील जिनका निर्माण समुद्र के पानी से हो उसे क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। तो चिल्का झील है इसका सही ऑप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोट को कब से अमान्य घोषित किया गया था? अब ये क्वेश्चन इतना सरल आया था, 500 और 1000 का नोट, 1998, 2019, 2016, 2001, कब से बता? ये क्वेश्चन अभी भी आने के चांसेज हैं। तो जानते हैं कि ये इसके पहले वाले में भी पूछा था, जो पुलिस वाला हुआ था, जेल वार्डन वाला, उसमें पूछा था। तो 8 नवंबर 2016 इसका सही ऑप्शन है सी, 8 नवंबर 2016। फिर उसके बाद है MiG-21 उड़ाने वाली, ये एक प्रकार से लड़ाकू विमान है, उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो वायुसेना अधिकारी थी कौन थी? ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, याद मत कीजिएगा, बस इसका नाम एक बार सुन लीजिए। खुशबू मेहता, भावना शर्मा, अंजलि गुप्ता, अवनी चतुर्वेदी, क्योंकि करंट अफेयर्स था ये। तो इसका सही आंसर है अवनी चतुर्वेदी ने उड़ाया था। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है, जानवर नहीं है, बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, केवल एकमात्र कोशिका का बना है, कौन ऐसा जो बहुकोशिकीय नहीं है? तो अमीबा बिल्ली मानव घोड़ा। घोड़ा जानते हैं कि कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, कई अरब कोशिकाओं से, बिल्ली भी, मानव भी, हम लोग तो कई अरब कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, लेकिन अमीबा जो होता है एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। जो प्रोटोजोआ वर्ग में जितने भी जीव आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? मैंने अपने वीडियो में, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो विज्ञान का जो होगा उस विज्ञान में आप देखेंगे तो सेल मैंने पढ़ाया है, सेल बायोलॉजी, उसमें आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आगे है 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित किया गया। पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों पराजित हुआ था भाई 1192 में? मोहम्मद गोरी, हारून उल राशिद, अबू बकर, उमर सेकेंड। तो इसका आंसर जानते हैं आप लोग कि मोहम्मद गोरी के हाथों आ रहा था। किसके हाथों? मोहम्मद गोरी। ये पृथ्वीराज चौहान वही थे जो कई शादियाँ की और उसी कन्याओं के चक्कर में अपनी जान भी गंवा दिए। 14 रानियाँ रखे थे और रानियों के चक्कर में अपने राजाओं, पड़ोसी राजाओं से क्या करते गए? दुश्मनी पालते गए। अब जानते हैं कि जब बेफालतू अगर किसी से दुश्मनी पालेंगे तो पड़ोसी राजा भी क्या करेंगे? विपक्षी से जुड़ जाएंगे। इसी में एक राजा जयचंद, जो कि इनके मौसेरी क्या थी, इनके मौसेरे भाई थे, और अपने मौसेरे भाई की लड़की को, यानी जो संयोगिता थी, उसके स्वयंवर से लेकर के उसको भागे थे पृथ्वीराज चौहान। हमारे भारत में कहते हैं इतना महान आदमी थे, इतना महान थे कि कहो मत कि अपने मौसेरे भाई के लड़के को, लड़के की, मौसेरे भाई के लड़की को लेकर स्वयंवर से भागे थे। और इसीलिए जयचंद किससे जाकर मिला था? मोहम्मद गोरी से, और फिर दूसरे युद्ध में इनको हरा दिया गया। पता नहीं अब लोग इनको महान कहते हैं, लेकिन मैं तो महान नहीं समझा, जो लोग समझते हैं वो समझे। फिर आगे देखिए है, किस राज्य में, इसका सही आंसर है मोहम्मद गोरी, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है, मतलब किस राज्य की सबसे बड़ी तटरेखा है समुद्र से सटा हुआ? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। समुद्र से किस राज्य का भारत का सबसे लंबा तट सटा हुआ है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। इसका राइट आंसर है गुजरात। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, गुजरात का सबसे बड़ी सीमा रेखा समुद्र से लगती है, आप लोग इसका जवाब याद रखिएगा। फिर उसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। उस वक्त 1914 से 1918 के बीच विश्व युद्ध चला था, तो जो भारत के बहुत से सैनिक मारे गए थे ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे,
तो उनके मरने के बाद भारतीयों की श्रद्धांजलि के लिए एक जो स्मारक उनको मतलब याद में जो बनाई गई थी ब्रिटेन के द्वारा जो बनवाया गया था स्मारक स्थल, उसे आज किस नाम से जाना जाता है? चार मीनार के नाम से, लाल किला के नाम से, जामा मस्जिद या फिर इंडिया गेट, इनमें से किसके नाम से जाना जाता है? तो उस वक्त जो स्मारक स्थल था इसका राइट आंसर है इंडिया गेट। वर्तमान में इसी को इंडिया गेट कहा जाता है। इसका निर्माण 1921 में स्टार्ट हुआ था और 1931 में 10 सालों में बनकर तैयार हुआ था। इसका निर्माण करने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था लुटियंस। ये लुटियंस वही है जिसने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन बहुत कुछ बनवाया है। लुटियंस बहुत बड़ा कलाकार था, आर्किटेक्चर था। फिर उसके बाद है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित थी? भारत में पहली बार जो हॉकी में स्वर्ण पदक मिला था उस पर आधारित कौन सी फिल्म थी? लगान, MS धोनी, गोल्ड, चक दे। तो नाम से तीन ऑप्शन छाट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो गोल्ड था। कौन मूवी था वो? गोल्ड। नाम ही गोल्ड है, भारत का गोल्ड पाने के कारण हुआ था। फिर उसके बाद है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक की पहचान करें। मतलब स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट जो पुस्तक लिखा है किसने लिखा है? सचिन तेंदुलकर ने, कपिल देव ने, MS धोनी ने, सौरव गांगुली ने। ये भी उस वक्त करंट अफेयर्स में चल रहा था पुस्तक जो नामी था। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट जो पुस्तक के लेखक है कौन है? हमारे देश में 1983 के समय में इन्हीं की कप्तानी में प्रथम बार वनडे का जो विश्वकप जीता गया था, तो कौन थे? कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट जो है वो कपिल देव ने लिखा है पुस्तक। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, 19वीं सदी से किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया था? मतलब 19वीं शताब्दी में किस देश ने सार्वभौमिक, मतलब होता है कि जो सभी को वोट देने का अधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार जो दिया गया था, किस देश में शुरू किया गया था? श्रीलंका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड में। किस देश में? तो ये शुरुआत क्या था? न्यूजीलैंड। देखिए भारत में तो जानते हैं कि 1950 में जो संविधान लागू हुआ तब मिला, उसी वक्त पाकिस्तान में भी संविधान जब बाद में बना तो लागू हुआ, श्रीलंका में 1931 में, लेकिन 1893 में न्यूजीलैंड में ये मताधिकार का अधिकार दिया गया था। और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड में दिया गया था एक साथ। बाकी तो सब देशों में, अमेरिका में 1920 में मिला है, ब्रिटेन में 1928 में मिला है, बाद में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है, लेकिन न्यूजीलैंड में शुरुआत से ही पुरुषों और महिलाओं दोनों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो आप लोग अपना क्वेश्चन देने के बाद अपना जवाब जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितने आपके सही हैं। जैसे कल बहुत लोगों ने कमेंट किया, तो आज भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करेंगे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद सभी को। गुड नाइट, बाय।